जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। माइसेल्फ तुषार कुमार साहू, फाउंडर ऑफ फिजिक्स मेड इजी ओडिशा, ए इजी यू टू लर्न फिजिक्स। तो मुझे एमती कही आपको जो सीपीटी मिशन स्टार्ट कर देती ऑलरेडी, आमर ऑलरेडी चारोटी एग्जाम कंडक्ट हो सारा। फास्ट तो मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मेकानिक्स, क्लासिकल मेकानिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में मुझे थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स और पार्टिकल फिजिक्स एग्जाम करेबी। तो नेक्स्ट एग्जाम छुआ कल के अच्छे, जो मैंने चाहूँ मो ग्रुप जॉइन होने 8908573956 जॉइन हो सारा ग्रुप। आपको प्रीवियस पीडीएफ सब मिल जाव, जहाँ भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सीट जहाँ भी ग्रुप सब मिल जाव। आपको छुआ नेक्स्ट एग्जाम देवाई चान्स मिल। ओके पिला माने, पाखापाखि गोटे ग्रुप 250 आउ गोटे ग्रुप 50 प्लस छुआ अच्छा। तो यही नंबर में मतलब कंटाक्ट करूँ बा मेसेज करूँ, कंटाक्ट मैंने मेसेज करूँ व्हाट्सएप रे, सारे वांट टू जॉइन योर सीपीटी मिशन ग्रुप। 50 रुपीज ओनली चार्जेस अच्छी, जल्दी जल्दी चार्ज दे कि छुआ मैंने फोनपे गुगुल पे सेम नंबर में अच्छी करके मतलब व्हाट्सएप मेसेज करूँ। आज जॉइन हो जातु कहीं गोटे फुल लेंथ वीएसटी, फुल लेंथ हम गोटे 70 मार्क वीएसटी आपंकर 20 किंबा 21 तारीख मुझे डेट देखी गोटे कंडक्ट करेबी। आपंकर 24 तारीख दिन फिजिक्स एग्जाम अच्छी, तो ता पूर्व आप एग्जाम देले एटलिस्ट आपको से भाया क्वेश्चन मिले एग्जाम। तो आज मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है कि ना ईडी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इंपोर्टेंट पार्ट डिस्कसन करी, जो भी क्वेश्चन आसूची। ऑलरेडी छुआ तीनोटी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट पार्ट डिस्कसन करी, आज चार नंबर पार्ट रे ईडी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करी। फास्ट तो देखो छुआ ईडी रे क्वेश्चन जो आसूची आपंकर कुलम्स रो तार आप्लिकेसन। मुझे ऑलरेडी क्लासेस देती छुआ मोर इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लासेस 8 कांतर अच्छी चैनल प्लेलीस्ट जी। तो कुलम्स लॉ आप्लिकेसन, कुलम्स लॉ एंड आप्लिकेसन क्वेश्चन गोटे आसबार चान्सेस थाए छुआ मैंने। सो बी केयरफुल छुआ, कुलम्स लॉ तार आप्लिकेसन निहाती करेंगे। सेकेंड पार्ट में कहूँ कौन, सेकेंड पार्ट आप गॉस लॉ, गॉस लॉ भल भाव डिस्कसन करी छुआ मुझे प्लस टू लेवल डिस्कसन करी। तो गॉस लॉ तार आप्लिकेसन, तो यही गोटे भावंतु क्वेश्चन सियोर शॉट, गॉस लॉ एंड इट्स आप्लिकेसन। गॉस लॉ कौन कहे पे, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। आपण पढ़ी थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसे के ई डॉट डीएस क्लोज इंटीग्रल टोटल चार्ज नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय ε0। तो गॉस लॉ तार आप्लिकेसन टे देखिए छुआ, मेन मेन आप्लिकेसन आप जानते स्फेरिकल सेल पाई, स्फीयर पाई, तापर आपणकर प्लेन शीट पाई, माने चार्ज वायर पाई है, इनफाइनाइट वायर पाई गॉस लॉ आप्लिकेसन सियर टे देखिक जाइए प्रॉब्लम आसुची। तापर देखो छुआ आपणकर ये थिला इलेक्ट्रोस्टैटिक रो किसी क्वेश्चन, तापर आपणकर लाप्लासियन इक्वेशन ऑफ सिंपल केसेस, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लासियन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लासियन इक्वेशन बा लाप्लास, लाप्लासियन कहते लाप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम किसी आसो पे ठीक अच्छे। डेल स्क्वायर वी इक्वल टू आप जीरो करके लाप्लासियन इक्वेशन सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइजन इक्वेशन भी टे देखि चेक करेंगे। तापर आप देखिए जो छुआ मैंने आपणकर हाँ कैपेसिटर क्वेश्चन सियोर आसो छुआ मैंने, गोटे कैपेसिटर क्वेश्चन आस कैपेसिटर को इंपोर्टेंट देखिए देखिथे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बहुत इंपोर्टेंट पिला माने क्वेश्चन आसार संभावना थाए पैरेलल प्लेट देखिथे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर देखिथे चेक करथे कहीं तो जेस्ट बे आसला सी इक्वल टू कैपेसिटर स्फेरिकल सेल के से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर पकी कर थांदे ठीक अच्छे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस चेक करथे ठीक अच्छे। तापर देखो तो आपणकर कौन ना चार्ज डेंसिटी विषय आसतिबो हले कि नहीं, लिनियर वॉल्यूम सरफेस, लिनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिनियर को लाम्बडा, सरफेस को सिग्मा, तापर वॉल्यूम चार्ज को रो को वॉल्यूम चार्ज रो, चार्ज डेंसिटी देखिथे पिला माने ता थ्रू आपणकर फोर्स पचार थाई पारे, इलेक्ट्रिक फील्ड पचार थाई पारे। तो ता सहित मुझे जोड़ी लिखुच इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट रे पचार थाई पारे, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपोर्टेंट फील्ड लाइन्स इस तार सब प्रॉपर्टीज पड़ी थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखी थे, ता सहित कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाइपोल टा तो बहुत इंपोर्टेंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट आपंकर पचार इलेक्ट्रिक फील्ड तार फॉर्मूला चेक कर जाइए, डाइपोल केमी कैलकुलेट जानते डाइपोल टाक से पी इक्वल टू क्यू इन टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आसे आउ नेगेटिव रू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन था डाइपोल फिजिक्स रे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो छुआ सियर देखी जाइए ठीक अच्छे। तो मोटामोटी भाव छुआ आमर इलेक्ट्रिक फील्ड रु इलेक्ट्रोस्टैटिक रु यही कनसेप्ट देखी जाइए। हाँ आउ गोटे कथ कहते छुआ कैपेसिटर सहित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी टे देखिए,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेन इंपोर्टेंट कथा होला जो पोटेंशियल फॉर्मूला पढ़ी थे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन आसे ई इक्वल टू माइनस ग्रेड भी तो भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पचार पॉइंट देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला ग्रेड भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल आर यू क्लियर ए पार्ट छुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखी देखिए ठीक अच्छे तापर छुआ करेंट इलेक्ट्रिक टू आप क्रिकअप्स लॉ आप्लिकेशन ठीक अच्छे क्रिकअप्स लॉ क्रिकअप्स वोल्टेज लॉ करेंट लॉ ह्यूस्टन ब्रिज कंडीशन रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल देखी जाइए करेंट इलेक्ट्रिक से पार्टा छुआ इंपोर्टेंट पार्टा था तो मेन इंपोर्टेंट कथ कौ छुआ करेंट इलेक्ट्रिसिटी छुआ ड्रिप वेलोसिटी देखी जाइए करेंट इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रिप वेलोसिटी मोबिलिटी चेक करेंगे ड्रिप वेलोसिटी मोबिलिटी ठीक अच्छे आई इक्वल टू फॉर्मूला वी डी एन ए डेंसिटी एरिया है कि नहीं ये चार्ज डेंसिटी तो यहाँ चेक कर जाइए तो रेजिस्टेंस टी चेक कर बहुत इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रु क्वेश्चन आसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रु क्वेश्चन छुआ मैंने गोटे पाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रु क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस रु मिल आपण कौन करेंगे ना क्रिकअप्स लॉ पढ़ते ठीक अच्छे ना क्रिकअप्स लॉ आप्लिकेसन क्रिकअप्स लॉ केवीएल वोल्टेज लॉ क्रिकअप्स करेंट लॉ पढ़ी थे तार आप्लिकेसन सॉल्व कर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट सीरीज सॉल्यूशन ले आपण करो क्रिकअप्स लॉ आप्लिकेसन आप पढ़ी थे ह्यूस्टन ब्रिज कंडीशन टे पढ़ी थे ह्यूस्टन ब्रिज कंडीशन लु छुआ गोटे गोटे क्वेश्चन आसपे मे बी सर्किट सॉल्यूशन करने ह्यूस्टन ब्रिज कंडीशन टे पढ़ी थे ओके छुआ ए पार्ट करेंटली एटू पढ़े बेसी पढ़े नहीं तथा यू पढ़े तापर देखो छुआ मैग्नेटिज्म जीवा ठीक अच्छे तेने करेन्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सरगला आमर ए पार्ट देखिए जीवे तापर देखो छुआ मैग्नेटिज्म जो पढ़े तो मैग्नेटिज्म आंपियर्स लॉ तो सियोर पढ़ी जीवे ठीक अच्छे तो फास्ट कथा छुआ मैंने हाँ बायोट सावर्ट लॉ कथा कहीदे बायोट सावर्ट लॉ तार आप्लिकेसन म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर पढ़ी थे बायोट सावर्ट लॉ तार टी आप्लिकेसन देखी थे सर्कुलर कैरिंग लूप पाई सेंटर रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसे इनफाइनाइट वेयर पाई एटी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसे जे चेक करथिबे तापर छुआ एम्पियर्स लॉ टे पड़ता एम्पियर सर्कुलर लॉ पड़िथिबे एम्पियर्स लॉ ठीक अछि एम्पियर्स लॉ बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल टे केते से म्यू नॉट आई अपन आई टाला करंट इनक्लोज बाय दी सरफेस पड़िथिबे एम्पियर्स लूप तापर छुआ एम्पियर्स लॉ एप्लीकेशन परे परे आपन कोन देखथिबे हां फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपोर्टेंट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड में पड़ी थे माइनस डो फाइव आई बाई डो टी फाइव है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो इंड्यूस्ड में पड़ी थे लेंज लॉ तार एप्लीकेशन पड़ी थे लेंज लॉ जो पचार लेंज लॉ कौ बेसिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पड़ी थे लेंज लॉ एप्लीकेशन लेंज लॉ कौन छुआ लेंज लॉ को ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग ऑफ इट डायरेक्शन पचार इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन डायरेक्शन ऑफ करंट रो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उपरे फॉलो हुए लेंज लॉ मन रखती है क्वेश्चन मुझे देती तापर छुआ मैंने फोर्थ नंबर क्वेश्चन रियल प्रॉब्लम दे थी छुआ सेल्फ आउ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफॉर्मर रे म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज हुए ट्रांसफॉर्मर गुटे चेक करथिबे हला कि ने तार एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डाउन सेल्फ इंडक्टेंस आप जानते एल लिखा जाए म्यूचुअल को एम बाय बाय लिखा जाए एन फाइ इक्वल टू एल आई फॉर्मूला पढ़ी थे नंबर ऑफ टर्न्स एल है फ्लक्स एल है सेल्फ इंडक्टेंस आई है करंट है कि नहीं तो ये फॉर्मूला आसो बेस कर क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे सेल्फ इंडक्टेंस पर आप कौन देखिए छुआ मैंने सर्किट एसी सर्किट्रु प्रोब्लेम पड़े छुआ आरएमएस वैल्यू वोल्टेज आरएमएस करंट छुआ निहाती चेक कर पिला भल से शुणुच ना एसी करंट एसी रु पढ़ी थे छुआ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ठीक अच्छे तापर छुआ मैंने एसी रे कौन था आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू ता भीतर रिलेशन कौन से चेक करेंगे तापर छुआ एलसीआर सर्किट रु क्वेश्चन छुआ सियोर पचार प्योर एल सर्किट सी सर्किट आर सर्किट रु क्वेश्चन पचारि पारे पे केते लेक करछु करंट ना पोटेंशियल बिहाइंड अछि चेक करिवे को को सर्किट पई पोटेंशियल लेक करे कि बिहाइंड माने बिहाइंड रुए हला नै करंट लीड करे तो लीड से आसु चेक करथि एलसीआर तापर छुआ कोन कर चेक करथिबे एटी छुआ एक्सएल आउ एक्सी चेक करथिबे इम्पीडेंस चेक करथिबे ठीक अछि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस इम्पीडेंस चेक करथिबे एलसीआर सर्किट रे इम्पीडेंस चेक करथिबे डायरेक्ट छुआ सीपीईट रे फॉर्मूला रे क्वेश्चन आस्तेला तापर टाइम कांस्टेंट पचारथिबो टाइम कांस्टेंट हलाय ना एल सर्किट रे टाइम कांस्टेंट पचारथिबो कैपेसिटिव सर्किट रे टाइम कांस्टेंट पचारथिबो आरसी 1 बाय आरएल पचारथिबो टाइम कांस्टेंट छुआ निहाती टाउ पचारथिबो टाइम कांस्टेंट रे छुआ क्वेश्चन डायरेक्टली दीटा अथवा सीपीईट रो आस्तेला ठीक अछि तापर छुआ देखंतु दुइ तीन पार्ट रे हम रखुछि एसी परे परे कोन देखिए मैक्सवेल इक्वेशन छुआ माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
मैक्सवेल इक्वेशन सब इक्वेशन पढ़ी डायरेक्टली तार फॉर्मेट पचार डेल डॉट बी क्वे मोनोपोल एक्जिस्ट करेनी मैग्नेट रे सही प्रकार जिन सब मैक्सवेल चारा इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन चारटा इक्वेशन पढ़ी तीन नंबर पार्ट रे छुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमएफ वेव्स रो तार प्रॉपर्टीज पढ़ी थे ट्रांसवर्स वेव ठीक अच्छे मीडियम दरकार नुहे तापर छुआ देखो रेंज पढ़ी थे समस्ते है कि नहीं रेड वेव्स टू आरंभ करके गामा वेव्स पर्यंत रेड वेव्स टू आरंभ करके गामा वेव्स पर्यंत समस्त पढ़ी थे रेंज केमती पड़ी थे विजिबल स्पेक्ट्रम जनरली तार रेंजटा 380 रु 700 भितर थाए तार रेंज आप पढ़ी थे भिवग्रय ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आपर हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन डायरेक्टरी मीडियम तो तापर पड़ी थे किस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आउ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस रिफ्रैक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक अच्छा डाइलेक्ट्रिक निहाती पड़ी थे डाइलेक्ट्रिक गोटे इक्वेशन देखो पचार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पचार एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव सी वाई वी पकईदे ओमेगा इक्वेशन आप पढ़ी थे वेव इक्वेशन देखिए सल्व करने थोपर सर देखो यही पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट तापर से गोटे मैग्नेटिज्म छाड़ दे लॉरेंस फोर्स लॉरेंस फोर्स टा सियोर पड़ी जाए पे बहुत इंपोर्टेंट है लॉरेंस फोर्स एफ एम क्यू वी क्रॉस वी पढ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे देखिए यूट्यूब क्वेश्चन आसपे पॉइंटिंग वेक्टर कही दूस मैंने ये ओके ऊपर लिभे दूस पॉइंटिंग वेक्टर निहाती पड़ी जी पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू के ई क्रॉस एच आप जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर फॉर्मूला पॉइंटिंग वेक्टर ठीक अच्छे पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर ई क्रॉस एच आप पढ़ी थे पॉइंटिंग वेक्टर परे परे छुआ माने हाँ मोशन पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेटा लिखी दूसरी चार्ज पार्टिकल मोशन केमती हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हैं 90 डिग्री एंट्री कले मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ आसे एलिकाल केमती पास आसे स्ट्रेट पाथ केमती आसे तो सेटा भी निहाती देखी थे आउ छुआ ये कौन रहा आउ बे इंपोर्टेंस नुहे आ बेले बेले मे भी आपंकर कौन ना हाँ आते ना ठीक अच्छे जो पार्ट मुझे लिखी सही डिस्कशन आपको करदेली है ना तो यही पार्ट आप भलसे देखी जी यू क्वेश्चन आसो जेनराली आउ छुआ इन्सुलेटर कंडक्टर सेमिकंडक्टर भी देखी जाइए इन्सुलेटर सेमिकंडक्टर टी चेक कर जाइए ये तो अलग पार्ट मुझे थोड़ा कही दूसरी आउ कंडक्टर तार बिहेवियर केमती चेक कर जाइए टी से पार्टा ठीक अच्छे आउ एनर्जी स्टोर इन ए कैपासीटर इंडक्टर से निहाती एनर्जी स्टोर इन ए कैपासीटर इंडक्टर है ना रेजिस्टर यह सब चेक कर पार्ट है कहीं क्वेश्चन आसार समाधान कितु बहुत बड़ बड़ कैलकुलेशन क्वेश्चन आसवनी रियल प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चेक कर दी थे गोटे बार पड़ जाए कि सिंपल सिंपल आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसो कहीं सीपीटे आप देखी प्रीवियस बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आसाला बहुत ही क्वेश्चन ईडी आस ईडी पाखापा 8 क्वेश्चन नोट आसपे सो छुआ इंपोर्टेंट पार्ट देखी से पार्ट चेक करेंगे आउ नेक्स्ट एग्जाम मो ग्रुप जॉइन हो तो ये कथ कहली आज रही नेक्स्ट भिडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक तार सॉल्यूशन वीडियो लेके आसीबी आउ स्टैटिस्टिकल मेकिस एंड थर्मोडायनामिक्स रो कोन इंपोर्टेंट पार्ट से विषय में डिस्कशन करी भी टिल देन छुआ माने पढ़ाई करते रहिए आउ समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय टाटा।